यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया नहीं, इसको अंदर पे हम नीचे 2 दिन का प्लेस करते इजीली। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट का था, यहाँ से मार्केट स्ट्रिक्टली डाउन आ रहा, यहाँ तो फिर रुका, फिर मार्केट अप चला गया, यानी यहाँ ये मिड जोन जो है मार्केट के लिए ये सपोर्ट का काम। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाके इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड ले रखा है, $500 का मैंने ट्रेड ले रखा है और आप देख रहे होंगे बहुत ही ज्यादा गैप पिक मार्जिन से हम लोग विन कर रहे हैं इस ट्रेड को और बड़े आसानी से विन कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी मार्केट में फ्लक्चुएशन आया, ठीक है, तो ये किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है, स्ट्रेटेजी क्या है, और देखिए ट्रेड विन कर चुके हैं $500 की हमारी ट्रेड की, कैसे ये काम करती है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। और आप हमारे चैनल पे नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि जो भी मैंने लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ नहीं किया गया, बेसिकली सिर्फ एक इंडिकेटर का यूज किया गया है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको बताता हूँ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाले चैनल पर, टी वाले ऑप्शन पर जाओगे, इंडिकेटर में जाओगे, इंडिकेटर में आपको देख डॉन चेन चैनल, डॉन चेन चैनल मिल जाएगा आपको, अभी कोई इसमें कुछ करना नहीं है। अब एक ही पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरीके से आप ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी के हिसाब से आप 3 जगह ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के ट्रेड लोगों, टाइम फ्रेम जो होगा 1 मिनट का होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने ट्रेड कहाँ लिया था, मैं ट्रेड यहाँ पे प्लेस डाउन चेन में, अगर आप देख पा रहे हो 3 जोन, ये स्ट्रांग जोन है, ये मिडिल जोन है और ये नीचे वाली वीक जोन, ठीक है। 3 जोन होते हैं डाउन चेन में, अपर वाले को क्या बोलोगे आप, स्ट्रांग जोन, मिड वाले को बोलोगे मिडिल जोन, मिड जोन और लास्ट वाले को बोलोगे आप वीक जोन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों का काम करेंगे तीनों जोन। जब मार्केट इस अपर सर्किट को टच करे, यानी स्ट्रांग जोन को टच करेगा, यहाँ से मार्केट डाउन स्ट्रीम करेगा, 1 से 2 मिनट के लिए डाउन है। जब इसको टच करेगा, देखिए नीचे आया है, बेसिकली बहुत आसान तरीके से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट का डाउन ट्रेड प्लेस। एक दूसरी चीज, जब मार्केट इसको ब्रेक किया, मिड वाला जोन देख लीजिए, मार्केट इसको ब्रेक किया, जब इसको ब्रेक कर दिया, यानी ये मार्केट के लिए सपोर्ट का, यहाँ तक तो ये सपोर्ट का काम किया, आप देख पा रहे हो, यानी ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। मैंने बोला है कि ये तीनों जोन जो होते हैं मार्केट के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम, यहाँ तक ये सपोर्ट का काम करता रहा, लेकिन इस कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया, इसलिए मैंने इस कैंडल पे 1 मिनट का डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए मार्केट फिर से यहाँ तक नीचे आया, नीचे फ्लक्चुएट हुआ, यानी जब इसको टच करेगा तो आप क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम कर देगा, ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर वाला, ठीक है। मैं थोड़ा सा लाइन भी लेके आपको दिखा देता हूँ, लाइन वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन ही ले लेते हैं, तो इसी थिकनेस इसको काट कर फिट्स बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और मैं लाइन ले लेता हूँ, यार खुद भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कर दिया और बस कटा, ठीक है, डाउन ले आता हूँ। अब एक चीज समझो आप, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करेगा तो डाउन आएगा, 1 से 2 मिनट की डाउन। अभी मैं स्ट्रॉन्ग वीक जोन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मिड जोन के बारे में अलग से आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, ये हो गया सपोर्ट, जब इस सपोर्ट को टच किया मार्केट, सपोर्ट का यानी सहारा, यहाँ से मार्केट 1 से 2 मिनट के लिए अप है, यहाँ से जब टच किया तो यहाँ से मार्केट 1 से 2 मिनट के लिए अप जाए। देखिए यहाँ पे टच किया मार्केट, अभी यहाँ तक पहुंचा, यानी 1 से 2 मिनट के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी जब इसको टच करे तो डाउन का प्रिंट को, और इसको टच करे वीक जोन वाले को तो अपवर्ड, ठीक है। और थोड़ा सा कैंडल का बिहेवियर देख लेना आपको, कि अगर नीचे से अप जा रहा है तो कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, और ऊपर से डाउन आ रहा तो कैंडल रेड बननी चाहिए। अब बात आती है इस मिड लाइन, ये हमारी मिड लाइन जो है बड़ा ही मेन काम करती है। मेन काम मिड लाइन का ये होता है, बेसिकली जब मार्केट नीचे से जा रहा होगा, मार्केट कहाँ से जा रहा होगा, नीचे से, मार्केट जब नीचे से जा रहा होगा, ये मिड लाइन जो होगी रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो मिड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसको ब्रेक करके अब जा रही है, ब्रेक कर रही है, इस कैंडल को इसने ब्रेक किया है, तो अगली वाली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, अगली वाली भी कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन, और जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी उस कैंडल पर आपको ट्रेड नहीं लेना, उससे अगली वाली लाइन जब नीचे से जाएगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, और जब मार्केट ऊपर से आएगा तो सपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको अंदर पे हम नीचे 2 दिन का प्लेस करते इजीली। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट का काम, यहाँ से मार्केट स्ट्रिक्टली डाउन आ रहा, यहाँ तो फिर रुका, फिर मार्केट अप चला गया, यानी यहाँ ये मिड जोन जो है मार्केट के लिए ये सपोर्ट का काम। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाके इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे टच होती है तो आप 1 से 2 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हो, और यहाँ पे नीचे से अगर मार्केट आ रही है और इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही है तो आपसे फिर से यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे से आ रहे यहाँ पे टच किया, फिर से रेड कैंडल बनी, डाउन स्ट्रीम होने लगा, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट तो 1 से 2 मिनट का यहाँ भी आप डाउन ट्रेड प्लेस कर दोगे, और इसको ब्रेक करता है तो 1 से 2 मिनट का अपवर्ड डायरेक्शन।
यहाँ पे भी देखो मैंने बताया जब मार्केट इसको टच करे तो उसके बाद वाली कैंडल देखो रेड बन रही है, अगली कैंडल पे आप 1 से 2 मिनट का डाउन का ट्रेंड प्लेस करो। फिर यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट मिल रहा था कि जो 1 से 2 मिनट का डाउन का ट्रेंड प्लेस करो। इस तरह से स्ट्रेटजी काम करती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आपकी, तो जिस तरीके से मैंने बताया हर जगह इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रेक किया 1 से 2 मिनट का ट्रेंड, यहाँ पे ब्रेक किया 1 से 2 मिनट का डाउन ट्रेंड, तो बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। अभी देखिए यहाँ पे एक हैमर बन चुका है और मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा अपर साइड में शिफ्ट हो रहा है। अभी कैंडल पैटर्न आपको जानना बाकी, उसके लिए मैं एक गलत वीडियो ले गया, बहुत अच्छी वीडियो होगी आपको, पूरी कैंडल की सीरीज चलेगी, ठीक है। तो कोई और इंडेक्स ले लेते हैं, $500 का हमने इस बार ट्रेंड भी लिया था, यहाँ पे टच किया, मैं क्या करूंगा $500 का डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। वैसे तो हमें ट्रेड कहाँ प्लेस करने थे, इस कैंडल के बेसिस पे ही कर लेंगे, ये कैंडल इंड होगा इसी वाली कैंडल पे ही हमें ट्रेड प्लेस कर देंगे, तो आपको ये सारे मिस्टेक से बचनी है। अब मैं बात करूंगा कैसे, बेसिकली तो आप देखिए ये कैंडल इसको ब्रेक कर रहा था, इसी कैंडल पे हमें डाउन की ट्रेड प्लेस कर देंगे। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस से ही समझ पाओगे, तो आप जब तक प्रैक्टिस को फोकस नहीं करोगे आपसे ये सारी चीजें नहीं आएंगी। थोड़े दिन हमारा ट्रेड चल रहा है, वेट करता हूँ किधर जाता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा साइड में भी मार्केट चला है, कोई नहीं वेट कर लेता हूँ, वीमेन का टाइम है, देखते हैं किस साइड मार्केट जाता है, वेट करते हैं तो कोई और असिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसको ले रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे अभी एक ग्रीन कैंडल बनेगी कि सपोर्ट का काम करता है, अभी भी सपोर्ट का काम करता है, इसको ब्रेक नहीं कर, थोड़ा सा इसको एडवांस बनाने के लिए काम करता हूँ। और देखिए हमारे विन हुई है ट्रेड, जो हमने गोल्ड पे लगा रखा था, और मैं एक थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा एडवांस बनाने के पैराबोलिक ले लेता हूँ, पैराबोलिक के डॉट नीचे से मिलने लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर से मिलने लगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ देखिए पैराबोलिक के डॉट नीचे से मिलने लगे तो इसको क्रॉस ओवर कर जाए तो आपका ट्रेड ले लेंगे, लेकिन आप लाइन पे टचिंग का ही करो, जो भी जोन है स्ट्रांग जोन मिड जोन, उस हिसाब से आप टचिंग पे ही करो। यहाँ पे इसने मार्केट को सपोर्ट दिया, मैं बोला जब इसी लाइन को टच करे तो आपको टच करे तो डाउन, और मिड लाइन आपको दोनों तरह का ट्रेड देता है, डाउन और अपवर्ड। अब यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ से पैराबोलिक मैंने एडवांस बनाने के लिए लिया कि आप ले सकते हो पैराबोलिक के डॉट, और इस वाली कैंडल के बाद हमें ट्रेड लेनी थी, लेकिन हमने पैराबोलिक ले रखा, पैराबोलिक नीचे से जब डॉट दे तभी। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही आसान वीडियो, कोई कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें।